और ये बहुत इंपॉर्टेंट है, बहुत ज्यादा ध्यान रखिएगा, क्योंकि मैंने अपने सामने 90% लोगों को सिर्फ मॉरल फेलियर और माइंडसेट फेलियर के कारण ही जाते हुए देखा, उससे भी बेहतर लोग मैंने देखे जिंदगी में, लेकिन मॉरल और माइंडसेट फेलियर के पास दिल से वो काम नहीं पास कर रहा। सबसे पहले मैं एक मॉरल टेस्ट आपको करवाने वाला हूँ, जिसमें आप खुद ही चेक कर लेंगे कि मॉरल आपका अच्छा है कि नहीं है, खुद ही स्कोर आप देंगे। अगर आपका पॉजिटिव निकलता है तो उसमें यस मार्क करना, क्वेश्चन के सामने नेगेटिव निकलता है तो नो मार्क करना। क्वेश्चन है आपका पहला, पूरे दिन में आप खुद से कितनी बार सेटिस्फाई होते हैं, हाउ मच यू आर सेटिस्फाइड इन द होल डे। सर मोरल है कि मोरल? मोरल है, मोरल है, मोरल है। ऑन द होल डे ये अलग चीज है ना, ऑन द होल डे, ऑन द होल डे हाउ मच यू आर सेटिस्फाइड विद योरसेल्फ। ज्यादा डिफरेंस नहीं है। पूरे दिन में आप उससे कितना सेटिस्फाइड होते हैं, 100 में से कितना परसेंट देंगे आप, आपको हर दिन आप जीते हो 100 में से कितना परसेंट सेटिस्फाइड है, तो क्या इतने दिन में मैं इतने परसेंट सेटिस्फाइड हूँ अपने काम से, लिखो उसमें कॉपी में लिखना। ये टेस्टिंग होती है, लिखेगा ये सब टेस्टिंग हम लोग यूनिवर्सिटीज में करते हैं, मॉरल टेस्टिंग इसमें होता है। दूसरा लिखेगा, दिन में खुद को कितनी बार पूछते हैं, एट इन द होल डे हाउ मच टाइम यू ब्लेम योरसेल्फ। दिन में कितनी बार खुद को कोसते हैं, कई लोग दिन में कोसते ही रहते हैं, आप सोच लो दिन में लगे रहते हैं, अरे मुझसे ये नहीं होता, अरे मैं ये नहीं कर पाऊंगा, अरे मैं मुझसे वो ज्यादा बेहतर है, ये कितनी बार करते हैं, ठीक है। अभी मैं सर पूछने वाला हूँ नंबर 3, पूरे दिन में आप खुद को कितनी बार कोसते हैं, हाउ मच टाइम यू ब्लेम योरसेल्फ इन द होल डे, पूरे दिन खुद को कितनी बार कोसते हैं। नंबर 3, पूरे दिन खुद के अच्छे क्वालिटी के बारे में कितनी बार सोचते हैं, पूरे दिन खुद के अच्छे क्वालिटी के बारे में कितनी बार सोचते हैं। इन द होल डे हाउ मच यू थिंक अबाउट योर गुड क्वालिटीज। ध्यान रखें 10 क्वेश्चन जो मैं आपको बता रहा हूं, ये मॉरल टेस्टिंग के अंतर्गत पूना यूनिवर्सिटी में लिए गए थे। पूना यूनिवर्सिटी में 10 क्वेश्चन प्रोफेसर से पूछे गए थे और चौंकाने वाला रिजल्ट है कि प्रोफेसर का ही मॉरल डाउन निकला, बच्चों का क्या मॉरल कर रहे थे। ये पूने यूनिवर्सिटी के मैं क्वेश्चन आपको दे रहा हूँ, पूरे दिन में आप अपने गुड क्वालिटी के बारे में कितनी बार सोचते हैं, हाउ मच यू थिंक अबाउट योर गुड क्वालिटी इन अ होल डे। 4, मैं सब कुछ कर लूंगा, ये कितनी बार आप सोचते हैं, हाउ मच यू थिंक दैट आई विल डू ऑल थिंग्स। मैं सब कुछ कर लूंगा, ये कितनी बार आप सोचते हैं, हाउ मच यू थिंक दैट आई विल डू इट। ऐसे प्रोफेसर का टेस्ट होता है, ध्यान दीजिए। 5, आप खुद पर बिलीव कितनी बार करते हैं, हाउ मच यू बिलीव ऑन योर सेल्फ। छठवां क्वेश्चन, आप खुद को यूजलेस कब समझते हैं, हाउ यू थिंक दैट यू आर यूजलेस फॉर ऑल। अब इनका सब आंसर भी आपको देना है। खुद को कई बार हम लोग कहते हैं कि यार हम बहुत बेकार है, हमने गलती से पैदा हो गए, हमें भगवान ने गलती से पैदा कर दिया, गलत ऐसा कई लोग बोलते तो आ जाते हैं। नेक्स्ट टाइम लिखिएगा, आप खुद को काम का पर्सन मानते हैं, डिड यू थिंक दैट यू आर अ पर्सन ऑफ वर्थ। आप खुद को काम का पर्सन मानते हैं, डिड यू थिंक दैट यू आर अ पर्सन ऑफ वर्थ। 8वां क्वेश्चन, आप स्वयं का रिस्पेक्ट करते हैं, यू रिस्पेक्ट योर सेल्फ। यानी हम मानते हैं कि हाँ हम कुछ है, हम अपना रिस्पेक्ट करते हैं। 9वां, आप खुद को एक फेलियर मानते हैं, यू थिंक दैट यू आर अ फेलियर। आप खुद को एक फेलियर मानते हैं, यू थिंक दैट यू आर अ फेलियर। और 10वां, आप
हर चीज के लिए पॉजिटिव एटीट्यूड रखते हैं. यू टेक पॉजिटिव एटीट्यूड फॉर ऑल थिंग्स. आप हर चीज के लिए पॉजिटिव एटीट्यूड रखते हैं. यू टेक पॉजिटिव एटीट्यूड ऑफ ऑल फॉर ऑल थिंग्स. अब यहाँ पे जो आप आंसर क्वेश्चन जो मैंने बताया आपको, इसमें आपके आंसर चार तरह के आपके होंगे. पहला आंसर आपका ये रहेगा कि या तो आप स्ट्रॉन्गली एग्री करते हैं, दूसरा आपका रहेगा या तो आप सिर्फ एग्री मात्र करते हैं, ठीक है, तीसरा आपका रहेगा कि आप टोटली डिसएग्री करते हैं, और चौथा है कि आप स्ट्रॉन्गली डिसएग्री करते हैं, ठीक है. स्ट्रॉन्गली एग्री मतलब आप फेवर में है कि हाँ मैं ऐसा करता हूँ, एग्री मतलब हाँ सर करते हैं बस स्ट्रॉन्गली नहीं करते, ठीक है. डिसएग्री मतलब टोटली हम डिसएग्री करते हैं, स्ट्रॉन्गली डिसएग्री मतलब एकदम ही हम इस चीज को नहीं करते. तो जैसे पहला क्वेश्चन आपका था कि आप पूरे दिन में खुद को कितनी बार सेटिस्फाई, आप खुद से कितने सेटिस्फाई होते हैं, तो कितने लोग खुद से सेटिस्फाई पूरे दिन में होते हैं, या फिर टेस्ट हो जाएगा मॉडल कितना हाई आता है, आप खुद से कितने सेटिस्फाई पूरे दिन में रहते हैं, क्या 100% सेटिस्फाई रहते हैं, 80% रहते हैं, 75% रहते हैं, कितने परसेंट सेटिस्फाई रहते हैं कि हाँ मैंने आज जो भी किया, मैंने अगर सब्जी भी बनाई तो अच्छा बनाया, आई एम सेटिस्फाइड, कितने परसेंट लोग सेटिस्फाइड होते हैं, जल्दी बताइए, इतना टाइम मिल जाता किसी को, 90% लिखते लो कितने सेटिस्फाइड हो, चलो परसेंटेज बस देखो कितने सेटिस्फाई हो. हाँ, दूसरा आप किसी काम में अच्छे नहीं है, ये कितने लोग मानते रहते दिन भर, बहुत मेरे दिमाग में चलता ही रहता है, मैं अच्छा नहीं हूँ किसी काम में, मुझसे ये काम होगा नहीं, हमेशा नेगेटिविटी में रहते, कितने परसेंट नेगेटिविटी आपके अंदर चलती है, 100% नेगेटिविटी आपके अंदर, कितने परसेंट नेगेटिविटी है, 25% है, और 100% नेगेटिविटी, 30% नेगेटिविटी है, 0% किसी का नहीं होता था, नहीं मेरा भी नहीं है, मैं भी 10% नेगेटिव रहता हूँ, मेरे होता है, सबको होता है, परसेंटेज देखो. तीसरा मैंने क्या बताया, अपनी गुड क्वालिटी के बारे में कितना सोचते हो, जो भगवान ने आपको अच्छा दिया उसके बारे में कितना सोचते हो, हाँ 50% सोचते हो, और कितना सोचते हो बताओ, जो आपको भगवान ने अच्छा दिया उसके बारे में कितना सोचते हो. आप किसी चीज में फोर्थ पर क्या है, मैं सब कुछ कर लूंगा, ये कितने लोग सोचते दिन में, कितने परसेंट सोचते हो आप, क्या था आपको यूज़लेस कब सबसे कितनी बार सबसे कितने बार ऐसे कई बार लोग में आते हैं कि मैं कुछ नहीं कर सकता परसेंटेज देखो 100 में से कितना 20% सातवां क्या था मैं काम का पर्सन हूँ ये कितनी बार आपके दिमाग में ख्याल आते हैं 100% आते हैं तो निकालो. इसके बाद आठवां पॉइंट है क्या था, कितनी बार ऐसा कई बार मन में आता है कि मैं कुछ नहीं कर सकता परसेंटेज देखो 100 में से कितनी बार उसने खुद कर दिया. भले सामने पिताजी चिल्ला रहे हो, बोलेगा तू कुछ नहीं करते, लेकिन तुम कह रहे नहीं मैं सब कुछ कर सकता हूँ, ऐसा कितनी बार हो गया. 25 आई फील दैट आई एम अ फेलियर. कई बार आपके मन में कितनी बार ऐसा दिमाग घूमता रहता है कि मैं फेलियर कुछ नहीं कर सकता. नहीं आता 0% लिखो. और मैं पॉजिटिव एटीट्यूड रखता हूँ कितनी बार, 90%. अब मैं यहाँ पे आपको एक रेशियो बता रहा हूँ मॉरल चेक करने का. ये तो मैंने 10 क्वेश्चन आपको बताया, ये 10 क्वेश्चन आप हमेशा क्या करें अगर खुद से पूछते हैं, इससे आपको पता चलता है कि मेरा मॉरल यानी मेरी मन स्थिति क्या है. ध्यान रखिएगा ये क्वेश्चन का आंसर हमेशा बदलता रहता है, ये 10 क्वेश्चन ध्यान रखिएगा हमेशा आपको बदलते रहते हैं. जब आप खुश रहते हैं तो आप देखना पॉजिटिव में आपके 100 में से ज्यादा पर्सन हो जाते हैं, नेगेटिव में आप देखोगे ऑटोमेटिकली पर्सन आपके कम होते हैं. इन 10 क्वेश्चन से आप अपने मॉरल को टेस्ट करते हैं. अब रिजल्ट फाइंड करने का क्या है, अगर आप जितने भी परसेंटेज आपने लिखे जब आप इनको टोटल करते हैं तो टोटल करने पर अगर रिजल्ट 70% से ऊपर आ रहा है, इट मीन्स आपके पास पॉजिटिव मॉरल के साथ आप चलते हैं. 70% से अगर ऊपर रिजल्ट आ रहा है, जैसे टोटल मान लो 10-10 मार्क्स के हिसाब से आपने लिए, या मान लो कि एक एक नंबर के क्वेश्चन आप लोग इसको दे दें, टोटल नंबर
दस में से अगर मान लो 7 आ रहा है यानी आपका मॉरल सही है, अगर 5 आ रहा है तो मॉरल एवरेज होता है, 4 या 5 का मॉरल हम लोग एवरेज मानते हैं, और अगर 4 से नीचे जाता है ना तो मॉरल आपका पुअर होता है, ठीक है। तो यहाँ पे आपको ये ध्यान रखना है कि ये जो क्वेश्चन है क्वेश्चन को आप कैसे टेस्ट करेंगे, क्वेश्चन में आप देखिएगा कितने परसेंटेज आपके आ रहे, कितना छोड़ रहे परसेंट लिखा ना उसको पूरा टोटल अप करो, चलो टोटल अप करो अभी मॉरल चेक हो जाएगा, परसेंटेज के लिए किसे 100 दिया किसे 0 दिया पूरा टोटल करो, फटाफट टोटल करो। ध्यान रखिएगा जो बड़े लेवल के जितने भी प्रोफेसर होते हैं जो मैनेजमेंट हेड्स होते हैं ये ऐसे करके मॉडल चेक कर लेते हैं, इसके लिए कोई मशीन की जरूरत नहीं है, पूरा टोटल करो कितना है फटाफट टोटल करिएगा, क्योंकि आपने छोटे क्वेश्चन के बारे में भी बहुत ज्यादा बड़े सर्वे बनाने वाले जीडी इसके बाद आने वाले हैं। कितना आ रहा है? 7 आ रहा है मॉरल को, अच्छा वेरी गुड, 7 मॉरल वाले को अच्छा गुड एम्प्लॉय कहा जाता है, 7 मॉडल। अब बताओ बाकी के मॉडल कितना आ रहे हैं, नंबर्स में चेंज मत करिएगा, जो आपने दिया ना 100 में से उसी को टोटल करिएगा कि बाद में 7 सबको लाने की जरूरत पड़ गई। कितना आ रहा है? 75 ना, कितना जल्दी करो रे, टोटल टोटल कितना आ रहा है? 575, यानी आपका 5.7 का 100-100 का हिसाब से था ना पूरा, यानी 1000 में से 57 एवरेज मॉडल है, 57 ठीक है गुड है, गुड और एवरेज आपको मान सकते हैं। 10 में से 3 आ रहा है बहुत गहरा मॉडल है, मॉडल बहुत डाउन है, 310 आ रहा है मॉडल बहुत डाउन है आपका, 310 ना मॉडल डाउन है, और मतलब जल्दी विद्या कुमार कितना मॉडल आ रहा है? 514 है एवरेज, और 5 एवरेज, कम से कम 6 से ऊपर तो मॉडल हो कम से कम, इतना तो इंसान 60% से ज्यादा अच्छा सोच सकता है। जल्दी बताओ एक दो जो बच्चे आपके साथ कितना हुआ मॉडल, उन्होंने बताओ 65 सही है, एवरेज और गुड के बीच में जो मॉडल तुम्हारे कितना था? हाँ जो उसका है वो मॉडल है ना, वेरी गुड, दो सगे भाई को मॉडल देख नहीं होता कभी, तुम लोग का कैसे एक हो गया, जल्दी बताओ 645 एवरेज और गुड में जाता है। अब यहाँ पर मैं आपको बता दे रहा हूँ कि ये जो मॉडल का जो रिजल्ट आएगा तो इस रिजल्ट से आपको यहाँ पे समझ में आ रहा है कि आप अच्छे मॉडल में जी रहे हो एवरेज में जी रहे हो कि खराब मॉडल में जी रहे हो, ठीक है, जैसे सला एवरेज में जी रही है और इसका रिजल्ट भी देखना एकदम एग्जैक्ट सही रिजल्ट इसका देगा, सला तुम्हें लग रहा है कि मॉडल तुम्हारा पॉजिटिव ज्यादा रहता है तो तुम्हारा रिजल्ट भी बता रहा है, तुम लोग को समझ में आ रहा है, कई लोग ठीक ठाक जिंदगी जीते हैं उनका एवरेज मॉडल रहता है आपको देख रहा है, और कई लोग बहुत बेकार जिंदगी जीते हैं बहुत नेगेटिव रहते हैं उनका मॉडल आपको क्या दिख रहा है डाउन दिख रहा है, तो आपको यहाँ पे ध्यान रखना है किससे हम लोग क्या कहें हमने मॉडल को टेस्ट किया। अब यहाँ पे मैं आपको बता दे रहा हूँ कि मॉडल को टेस्ट करना इसलिए जरूरी होता है क्योंकि ध्यान रखिएगा मैं आपको एक चीज बहुत क्लियर बता दे रहा हूँ कि आपके माइंडसेट और आपका मॉडल ही डिसाइड करता है कि आपका कैरेक्टर क्या होगा जो सेंसर में पहला पार्ट होता है, यानी आप जो कर रहे हो प्रैक्टिकली वो मॉडल और माइंडसेट डिसाइड करता है, ठीक है। तो ये कैलकुलेशन आपको समझ में आया। अब मैं यहाँ पे आपको बताने वाला हूँ कि आप अपना मॉडल बढ़ाए कैसे, क्योंकि आप कईयों का मॉडल बहुत डाउन है, जैसे आपका कोई नेगेटिव है 300, ध्यान रखिएगा ये मॉडल अगर आ जाता है ना तो इस मॉडल में हम लोग सामने वाले को किसी प्रोजेक्ट पे काम करने के लिए मना कर देंगे कि आप इस मॉडल में तो क्लास नहीं बढ़ देगा, क्योंकि आप इस मॉडल में बच्चों को भी सत्यानाश कर दोगे अगर खुद नहीं कर पाए। अब मैं आपको बता रहा हूँ हाउ टू इंक्रीज मॉडल, अपने मॉडल को कैसे बढ़ाए, क्योंकि ध्यान रखना मॉडल यानी मनोस्थिति को आपको चेंज करना पड़ता है, हाउ टू इंक्रीज मॉडल मॉडल कैसे बनाए, पहला लिखिएगा अपने पास्ट मिस्टेक्स को भूले, फॉरगेट योर पास्ट मिस्टेक, मैं सबको पहले बता दे रहा हूँ मॉरल डाउन होने का एक कारण क्या है कि कई लोग ना पीछे वाली मिस्टेक ज्यादा सोचते रहते हैं, जब देखो पुरानी गलती सोचते हैं हमेशा कहीं उनका मॉरल डाउन रहता है, पास्ट मिस्टेक को भूले, फॉरगेट योर पास्ट मिस्टेक, ठीक है, आप पुरानी मिस्टेक को भूल दो मॉरल बढ़ेगा आपका, जैसे मान लो कि कल बहुत बुरी तरीके से तुम्हारी पिटाई हुई या बहुत बुरी तरीके से किसी ने तुम्हें सुनाया, जब तक उस चीज को सोचते रहते हो आपका मॉरल क्या आपको लगता है डाउन रहता है, जैसे भूल जाता है ठीक है कल पेटे थे तो पेटे थे आज हम नहीं सोचेंगे उस चीज को तो मॉरल क्या हो जाता है बढ़ता है, तो सबसे पहले क्या करो पुरानी चीजों को भूल जाओ मॉरल देखो बढ़ता है। दूसरा लिखिएगा फोकस ऑन पॉजिटिव, पॉजिटिव एलिमेंट्स पे फोकस करें, सेकंड आपको क्या करना है आपको किस में फोकस करना है पॉजिटिव एलिमेंट्स पे, मैं आपको यहाँ पे एक चीज बताने जा रहा हूँ, देखो आप लोग को हमेशा एक चीज मनोविज्ञान में हम लोग हमेशा एक चीज बताते हैं
कि हमेशा क्या करो, जब सब कुछ खराब लगे ना अपने पास्ट के अच्छे समय को याद करो। जैसे मुझे अवार्ड मिला, मुझे राष्ट्रपति ने अवार्ड दिया, मुझे कॉलेज में गोल्ड मेडल मिला था, ठीक है। आज भले कुछ अच्छा नहीं रहा, मेरे पास्ट का सोचते हो तो क्या होगा, अपना मॉरल भी क्या होता है, बढ़ता है, हिम्मत बढ़ता है। तो जब बड़ा वर्क होता था तो हमेशा क्या सोचो, अच्छी चीज सोचो, गलत को नहीं कि पुरानी में ये छोड़ के चली गई तो आप, ठीक है। अच्छा सोचो, देखना आपको खुद को क्या अच्छा फील होगा, प्योर पिता फील होगा। अभी तक लगता है सोचने क्या रहा है, मॉरल बिल्डिंग तो हो गई नेगेटिव। मैं आपको एक चीज बता देना अर्पिता जी, जब आपका मन खराब होता है ना तो आपको मन खुद ही को अच्छा करना पड़ता है, कोई आके अच्छा नहीं करता। सब फिल्मों में होता है कि कोई आता है, हीरोइन आती है, हीरो का मॉरल अच्छा करती है, कुछ नहीं होता। मेरा भी मन खराब होता है, मुझे अपने मन को खुद ही करना पड़ता है और मैं ये सब करता हूँ, ठीक है। और मेरे आपने देखा होगा कि मात्र 5 मिनट में मैं अपना मॉरल चेंज कर लेता हूँ, सिर्फ 5 मिनट। दिमाग के अंदर बहुत खराब होता है, मन बहुत अशांति रहता है, मैं 5 मिनट बैठता हूँ, 5 मिनट में हंसने लगता हूँ, 5 मिनट में फ्लो में आ जाता हूँ। इसका रीजन क्या, मैं मॉरल को खुद एडजस्ट करना जानता हूँ, मुझे किसी हीरो हीरोइन की जरूरत नहीं, मुझे किसी शक्ति की जरूरत नहीं है। तो आपको भी ये मैं ज्ञान दे रहा हूँ। तीसरा क्या करना है, हमेशा सक्सेसफुल पर्सन को देखिए, ऑलवेज फॉलो सक्सेसफुल पर्सन, हमेशा सक्सेसफुल पर्सन को देखिए, ऑलवेज फॉलो सक्सेसफुल पर्सन, ठीक है। ये मैं आपको इससे बहुत अच्छा बता दे रहा हूँ। देखो मन जब खराब होता है मॉरल डाउन सबका होता है, मैं बता रहा हूँ मेरा भी होता है, एक बार बहुत लगता है जिंदगी खत्म होकर कुछ हो नहीं रहा। तो मैं यूट्यूब पे किसी अच्छे पर्सन को देखने लगता हूँ, उसके वीडियो सुनने लगता हूँ, ठीक है। और आप लोग भी क्या करें, जब ऐसे मॉरल डाउन हो तो क्या करें, सक्सेसफुल पर्सन को यूट्यूब वीडियो चला लिया करो, और उसको क्या किया करो, उससे क्या होता है, जब आपके जो मन जो बैठा वो क्या होता है, और ज्यादा कई बार आपको पंडित लोग भी कहते हैं, हमारे मौलवी साहब भी कहते हैं, अब ईश्वर का ध्यान कर लो, ये भी एक अच्छी चीज है, अब अल्लाह का ध्यान कर लो, वो भी अच्छी चीज है, जिस शक्ति को मानते हो क्या करो उसके ध्यान कर लो, वो भी अच्छी चीज है। पर जब मन बैठे ना तो आपको ध्यान रखना है तो सक्सेसफुल पर्सन को फॉलो करो या तो किसको फॉलो करो, ईश्वर को। लेकिन अपने मन को बैठे लेना तो, क्योंकि ध्यान रखना बैठा हुआ मन कुछ नहीं कर सकता। मैं बता दे रहा हूँ, जिसका मॉरल हमेशा डाउन रहता है ना, वो बंदा जिंदगी में कुछ नहीं कर सकता, भले भगवान ने उसको कितना कुछ ना दिया हो। चौथा लिखिएगा, खुद से बात करो, बिकम सेल्फ टॉकर। ये ध्यान रखना, मैंने अपनी जिंदगी में बहुत किया हुआ, और 15 साल का मेरा अनुभव ये है कि मैं ज्यादातर जिंदगी में अकेले रहा हूँ, तो ज्यादातर जिंदगी में बड़े वक्त में मेरे माँ बाप भी मेरे साथ नहीं रहते, तो ये चीजें मुझे उठा दी, तो मैं तो ऐसा पूछ चुका होता कहीं से, इतने प्रॉब्लम मैंने देखे। मैं खुद से बात करता हूँ, बिकम सेल्फ टॉकर। आज भी संडे का दिन शाम का टाइम मैं कशुरा ब्रिज पे खड़े होकर अपने से बात करता हूँ, मुझे अपने अंदर क्या इम्प्रूव करना है, मेरे अंदर क्या कमी है। लेकिन सेल्फ टॉक करते समय ध्यान रखना, एक गलती कई बार आपसे हो जाती है कि सेल्फ टॉक पर नेगेटिव टॉक कर लेना, या मुझसे कुछ हो नहीं रहा, जिंदगी बीतती जा रही है, हे भगवान मेरा क्या होगा, कैरियर खत्म हो जाएगा, नौकरी नहीं मिल रही, ऐसा नहीं हो रहा, वैसा नहीं हो रहा, नेगेटिव निकले, पॉजिटिव टॉक करें कि मैं आगे क्या कर सकता हूँ, मुझे कल सुबह क्या करना है, मुझे अगले हफ्ते क्या अचीव करना है जो मेरे सबसे अचीव नहीं कर पाए। तो ये चीज आपको ध्यान रखना कि खुद को क्या करना, टॉक आपको करना पड़ेगा, वो पॉजिटिव टॉक करो, और बहुत जरूरी है खुद से बात करना, ठीक है। क्योंकि जब आप खुद से बात करते हो ना तो अगला से मुझे आती है कुछ काम करने की, और जो लोग खुद से बात नहीं करते, जो खुद से दिमाग नहीं चलाते, वो देखना अल्टीमेटली एक जगह बैठे बैठे जिंदगी निकाल देती है, होता है। पांचवा लिखिएगा, स्ट्रेस को मैनेज करें, मैनेज योर स्ट्रेस। मैं पहले हमेशा बता चुका हूँ, स्ट्रेस मैनेज करना आप ही को होगा, स्ट्रेस को मैनेज करें, मैनेज योर स्ट्रेस। आपने एक चीज देखा होगा, आपके साथी में कई ऐसे लोग होते हैं जो तब तक चिंता में रहता है, हमेशा चिंता रहती है, और देखना उनका मॉरल हमेशा डाउन रहता है, वो हमेशा या तो नेगेटिव बोलेंगे या तो कुछ भी बोलेंगे, ऐसे देखते ही रहेंगे बस। कुछ नहीं है, सब कुछ ठीक है, पर आपका दिमाग और शरीर काम नहीं करता, क्योंकि आपने क्या ले लिया। और मैं हमेशा आपको बताता हूँ कि स्ट्रेस जैसे ही आता है ना, तुरंत गाने सुन लो, तुरंत आप थोड़ा देर काम से उठकर बाहर टहल लो, तुरंत आप क्या करो, कुछ ऐसा करो जो आपको स्ट्रेस से बाहर तुरंत निकाल सके। और हर इंसान को कोई एक काम बहुत अच्छा लगता है, किसी को गाना सुनना बहुत अच्छा लगता है, किसी को कपिल शर्मा शो बहुत अच्छा लगता है, किसी को कुछ नहीं तो चाय कॉफी पीना अच्छा लगता है। तो आपको ध्यान रखना, स्ट्रेस जब फील होना तुरंत अपने पसंदीदा काम को कर लो, काम को क्या करो थोड़ी देर के लिए हॉल्ट कर दिया। मैं आपको इसे बताता हूँ, थोड़ी देर अकेला बैठा
हाँ ये अच्छा है, अकेले बैठो जो अच्छा लगे करो, लेकिन स्ट्रेस को हावी मत होने दो। बहुत गंदी चीज है स्ट्रेस, मैं आपको एक चीज क्लियर बता दे, ठीक है। अब जैसे आपको स्ट्रेस हो रहा है ये कैसे पता चलेगा, मैं आपको चीज क्लियर बता दे, ध्यान रखिएगा। जब आपको स्ट्रेस आता है ना तो आपको अंदर से अटपटापन लगता है, आपको गुस्सा आता है, आपको सडनली ऐसा लगता है कि कुछ हम गलत कर ही दे किसी के साथ, ये एंजाइटी हमारे अंदर आती है। तो उस समय आपको क्या करना, स्ट्रेस को कंट्रोल तुरंत कर लेना। और मैं आपको तो खाने पीने का तरीका भी बता दे रहा हूँ, जब स्ट्रेस आता है ना मीठा खा लिया करो, मीठा खाने से क्या होता है स्ट्रेस कंट्रोल होता है, स्ट्रेस कंट्रोल होगा तो अपना मनोस्थिति जो है वो क्या हो जाता है, भूल जाता है। अधिकतर खाने का मैं भी पहले बहुत मीठा खाता था, बीच में डायबिटीज भी हो गई थी बहुत तरीके से, क्योंकि मैं बहुत स्ट्रेस में रहता था तो मेरे बैगों में टॉफी बहुत रहती थी, मैं लेंचर देते थे टॉफी जमाता रहता था सिर्फ स्ट्रेस को कंट्रोल करने के लिए। अब ले लेकिन उससे फिर डायबिटीज मुझे अटैक मार दिया उससे बहुत, फिर मैंने सब छोड़ दिया, लेकिन अभी बीच में थोड़ा बहुत चलता रहता, ठीक है। नेक्स्ट टाइम लिखिएगा, अच्छी नींद ले, टेक प्रॉपर स्लीप, अच्छी नींद ले, टेक प्रॉपर स्लीप। जब हमारी यंगस्टर ने स्लीप सोने का 8 घंटे भी कम कर दिए, मतलब 5 घंटे सोते 4 घंटे सोते, आप अगर प्रॉपर सोते हो ना तो आपको ये ध्यान रखना है कि आपको हमेशा अंदर से ऊर्जा महसूस होती है। कभी अगर ऐसा होता है बहुत थक गया, आराम से सो जाओ 8-10 घंटे बाद, 10 घंटे बाद आपको लगता है ना ऊर्जा अंदर से आ जाती है, तो वो ऊर्जा लाने के लिए प्रॉपर सोने का टाइम 8 घंटे कम से कम आप अपना जरूर रख सकते, चाहे कितनी व्यस्तता हो 8 घंटे शरीर मांगता रह, 8 घंटे तो सो जाओ अच्छे से। नेक्स्ट आप देखो, अपने स्किल्स पे काम करें, वर्क ऑन योर स्किल्स। कितने लोग अपने स्किल पे काम करते हैं बताइएगा, जो हुनर आपके पास है क्या उस पर काम करते हो, कभी करते हो? मैं तो हमेशा करता रहता, देखो लैपटॉप खोल के कोडिंग करता रहता, ये मेरा स्किल है मैं करते ही रहता हूँ। इससे पता क्या होता है, मुझे तनाव नहीं होता। जब आप अपने पसंदीदा काम को करते रहते हैं, भले मुझे कोडिंग करने का कोई पैसा भी नहीं मिल रहा, मैं करता रहता हूँ, पहले सोचते क्यों करता रहता, इसलिए करता हूँ क्योंकि उससे मुझे मजा आता है, स्ट्रेस से मैं बचा रहता हूँ, स्ट्रेस से बचता हूँ तो मेरा मनोबल कभी डाउन नहीं होता। तो अपना पसंदीदा काम अपने स्किल पे थोड़ा सा रोज काम करो, उससे सब्जी बनाना अच्छा लगता है यूट्यूब पे देख के नई सब्जी बनाना, रोटी बनाना अच्छा लगता है यूट्यूब में नए नए तरीके से, और देखा और किसी से रोटियाँ बन सकती है, यूट्यूब से आप नई नई चीज़ों के काम सीखो और अपने स्किल्स को क्या करें बढ़ा, इससे क्या होता है आपकी मनोबल आपका बना रहता है। एक प्रैक्टिकल पॉइंट हमेशा जिंदगी में ध्यान रखना, मनोबल उसका हमेशा ऊंचा रहा है जिसने हमेशा रोज कुछ ना कुछ करता रहता है, देखो उसका मनोबल हमेशा अच्छा रहता है। जैसे जो लोग जॉब में रहते हैं उनका मनोबल हमेशा अच्छा रहता है, रिटायरमेंट के बाद आप देखते हो मनोबल सबका डाउन होने लगता है, क्योंकि जिंदगी में कुछ भी नया वो नहीं करता, वो सिर्फ रिटायर जिंदगी जीता रहता है। नेक्स्ट आप देखिएगा, अपने टैलेंट पर प्रैक्टिस करें, प्रैक्टिस ऑन योर टैलेंट, अपने टैलेंट्स पर प्रैक्टिस करें, प्रैक्टिस ऑन योर टैलेंट्स, ठीक है। यहाँ पे आपको ध्यान रखना, जो नेक्स्ट चीज मैं आपको बता रहा हूँ, जो टैलेंट भगवान ने आपको दिया है उस पर क्या करें, प्रैक्टिस करें, इससे मॉरल आपका हाई रहता है हमेशा। कैसे रहता है, जैसे मान लो किसी को गाना अच्छा लगता है और वो गाना जानता ही अच्छा है, तो जब वो गाता है तो उसकी पॉजिटिविटी क्या हो जाती है, बढ़ जाती है, तो उसका मनोबल यानी मॉरल दिल का दिमाग का क्या हो जाता है, बढ़ जाता है, ठीक है। तो हमेशा क्या करें कि अपने टैलेंट्स पे काम करो, आपका जो आपको काम आपको आता है पर उससे आप केवल पैसा कमा सकते, दुनिया को नहीं दिखा सकते, ध्यान रखिएगा, ठीक है। हमेशा कहा जाता है कि टैलेंटेड सिंगर कहा जाता है पर एम्प्लॉय को स्किलफुल कहा जाता है, आपने देखा होगा एम्प्लॉय को क्या कहते हैं, ये बहुत स्किलफुल एम्प्लॉय है, पर सिंगर को कहते हैं टैलेंटेड सिंगर है, टैलेंटेड प्लेयर है, क्योंकि वो दुनिया को जो चीज हम दिखाते हैं वो क्या होता है, टैलेंट होता है, जो चीज हम लोग केवल क्या करते हैं करते हैं सिर्फ अर्निंग करने के लिए, वो हमारा स्किल होता है। तो बीकॉम बीएससी से आप स्किल एडजस्ट करते हो टैलेंटेड, और टैलेंट लोग लेकर पैदा होते हैं, ये भी लोग बताते हो, टैलेंट हम बाइबल हमारे पास होता है, स्किल हम दुनिया से सीखते हैं। आप जो पढ़ाई करते हो तो आप क्या सीखते हो, टैलेंट भी सीखते कि सर मैंने बीकॉम में टैलेंट लिया हुआ है, ये देखिए 3 साल मैंने टैलेंट लिया बीकॉम में, तो बोलता है क्या, आप बीकॉम में स्किल लेते हो, नॉलेज लेते हो, ठीक है। और टैलेंट आप बाय बर्थ आपके पास है, पैदा से पैदा होने के बाद कुछ चीज आपके अंदर है जो आप जानते हो, और वो चीज आपका क्या है, स्किल होता है, ऐसा टैलेंट होता है। नेक्स्ट आप देखिएगा, फिजिकली फिट रहे, बिकम फिजिकली फिट, फिजिकली फिट रहे,
बिकम फिजिकल फिट। आपको ध्यान रखना है शरीर चंगा तो क्या कहते हैं आगे, ठीक है। तो देखो सबसे बड़ी बात है ये जो मॉरल, आजकल ध्यान रखना महानगरों में ये मॉरल डाउन की स्थिति बहुत बनी हुई है। मॉरल डाउन क्या होता है, यहाँ के बच्चे हमेशा ना नेगेटिव रहते हैं, मैंने देखा ये। इसलिए आज मैं बहुत बड़ा सेशन लेता हूँ, मैंने 90% बच्चों को देखा है वो इतने डिप्रेस अंदर से पहले से रहते हैं, क्योंकि ऐसा कुछ नहीं है, माँ बाप अच्छा कमाती है, घर में हर फैसिलिटी है, पर अपना मॉरल इतना डाउन कर लेते हैं कि उन लोग जिंदगी में कुछ अचीव कर नहीं पाते। और फिर दोष किसको देते हैं, परिवार को, समाज को, माँ बाप सबको देते हैं। आपको भी पता है ना मॉरल आपका भी डाउन कहीं ना कहीं है। आज अभी मॉरल चेक हुआ 70% सलाह का निकला, बाकी का मॉरल एवरेज एवरेज निकला, लेकिन कितना मॉरल आपका डाउन है, इस मॉरल से क्या कुछ अचीव कर पाओगे जिंदगी में, कर पाओगे, जवाब तो दो, कर पाओगे? मॉरल डाउन से कुछ हो पाता है, नहीं हो पाता। तो मॉरल बढ़ाने के तरीके में आपको बता रहा हूँ, शरीर को फिट रखे, सुबह में क्या करो, परसों उठ के क्या करें, एक्सरसाइज करें, योग करें, शरीर को थोड़ा सा एक घंटे शरीर को थोड़ा पसीना डलवाए, कैसे कुछ नहीं तो योग जिम चले जाओ, दो जिम आपकी उम्र में जिम लगभग हर जगह लग जाते हैं, नहीं कर पाए तो घर में क्या करो, योग करो, कुछ नहीं कर पा रहे तो एक लंबा सा गोल राउंड लगा कर दो चार बार दौड़ के चले जाओ, आप देखोगे क्योंकि शरीर की फिटनेस क्या बढ़ती है, बनी रहती है और ज्यादा इंक्रीज भी हो जाती है, फिटनेस बढ़ती है तो उसका हमारा असर हमारे दिमाग और मन में पड़ता है, वो हम लोग ज्यादा मेहनत करने की योग्य बन जाते हैं। नेक्स्ट आप लिखिएगा, लोगों से रिलेशन को सुधारे, इंप्रूव योर रिलेशन। इस चीज में देखो तुम लोग में से ज्यादातर लोग काम करते हो कि नहीं करते, मुझे नहीं पता। लोगों से रिलेशन को सुधारे, इंप्रूव योर रिलेशन। आपको यहाँ पे ध्यान रखना है कि आप दूसरों के साथ जब मिलते हो ना तो उनसे रिलेशनशिप अगर आप अच्छा रखते हो ना तो देखना आपके अंदर पॉजिटिविटी आती है। जैसे आप में से जो मिलनसार होते हैं देखना, वो हमेशा ना पॉजिटिविटी है उनके अंदर ज्यादा रहती है। हर इंसान से जाके बात करेंगे, चाहे वो आप जाने चाहे ना जाने, हर इंसान से पूछेंगे, हर इंसान के साथ अपना कार्ड दे देंगे, सर मेरा नंबर, आप भी नंबर दो ना अपना। तो ऐसे लोग देखना ना बहुत क्रिएटिव होते हैं, उनका अपना मॉडल क्या होता है। और देखो जो कटे कटे रहते हैं देखना, उन लोग ना हमेशा डिप्रेस रहते हैं, सबसे कटे दुनिया से बात ही नहीं करनी, देख लो डिप्रेस करते, उनसे कुछ भी कहो ना तो उन लोग ना बड़े डर जाते हैं हर चीज, लेकिन उनका डिप्रेशन का कारण क्या है, लोगों से कटना। तो लोगों से क्या करो, मिलो। और आप में से कितने लोग हैं जो लोगों से खुद फ्रेंडली बात करते हैं, जैसे आप ट्रेन में सफर कर रहे हो या बस में जा रहे हो या गार्डन में जा रहे हो, तो आपको इच्छा होती है दूसरों से बात करने की, नहीं होती, करते हो बात की नहीं करते हो, ठीक है। ज्यादा तो मैं ये नहीं बोल रहा कि लड़की लड़के से करे, लड़का लड़की से करे, वो क्रॉस जेंडर की बात नहीं कर रहा, अपने जेंडर की बात कर, जैसे करते हो ठीक है। करने के दौरान क्या आपको थोड़ा सा अंदर से कॉन्फिडेंस डाउन लगता है कि तुम 100% कॉन्फिडेंस से बात करते हो, कॉन्फिडेंस से बात करते हो ना, जिसको डर लगता है वो ध्यान रखिएगा, आप अपनी रिलेशनशिप बनाने में बहुत कमजोर है। रिलेशनशिप आप अगर दूसरों से बनाते हो तो आपके अंदर का डिप्रेशन भी हटता है और आपका मॉरल क्या होता है, ज्यादा अच्छा होता है। जैसे मैं आपसे बात करता हूँ तो मेरे अंदर की एनर्जी पॉजिटिविटी बढ़ती रहती है, अगर मैं सबसे बात करना बंद कर दूँ तो 7 दिन के अंदर देखने में नेगेटिविटी मेरे अंदर आ जाएगी। तो डिप्रेशन का कारण क्या, खालीपन, अकेलापन, उससे क्या करें अपने आप को उठाए, ये सारे पॉइंट हमने डिप्रेशन से भी लड़ने के पॉइंट, जो पॉइंट्स मैं आपको बता रहा हूँ ना ये पॉइंट डिप्रेशन से भी लड़ने के पॉइंट है। तो डिप्रेशन हर इंसान की जिंदगी में है और मॉरल डाउन सबका रहता है। नेक्स्ट आप देखिएगा, नई चीजों को सीखे, लर्न न्यू थिंग्स। ये मैं तुम लोगों को प्रैक्टिकल बता रहा हूँ, अगर आप कोई नई नई चीजें सीखते जाते हो ना तो आप देखना आपको हमेशा अपना मॉरल क्या होता है, बहुत हाई हो जाता है अगर आप कोई नई चीज को सीखते जाते हो। जैसे उदाहरण में साइकिल वाला जब गाड़ी सीखता है तो अंदर से पॉजिटिविटी आती है, अच्छा फील होता है, चलो आप गाड़ी सीख रहे हो, गाड़ी वाला कार सीखता है पॉजिटिविटी आती है। हमेशा हम लोग क्या कहते हैं, नई चीजें सीखते जाओ, हमेशा नई चीज सीखते। आपने देखा होगा जो लोग नई चीज सीखते, जैसे आपको बहुत सारे स्टूडेंट्स लोग होंगे, देखना वो लगातार नई नई चीज सीखते आते हैं तो देखना कभी डिप्रेशन में नहीं जाते, ठीक है। और जो लोग एकदम स्टैगनेंट हो जाते ना, जैसे हमारे यहाँ कई बच्चे स्टैगनेंट हो जाते हैं, बी कॉम के बाद हमने एक बार कॉमर्स में रिसर्च नहीं किया, आगे नया नया सीखा नहीं, कंप्यूटर साइंस में पढ़ाई किया, लैंग्वेजेस और उसके बाद हमने नया को सीखा नहीं, देखता हूँ लोग हमेशा उनको मॉरल डाउन रहते हैं। और इसे प्रैक्टिकल एग्जाम्पल सुना, ये ACST के सारे टीचर्स में देखा होगा, उनको हमेशा कम देखो से बात करो नेगेटिविटी बोलेंगे, और मैं कहता हूँ पॉजिटिव, तो मैं नया नया सीखता रहता। तो नई नई चीज़ सीखने से क्या होता है, अपने अंदर की ऊर्जा भी बनी रहती है, ठीक है। और अगर आप एक जगह स्टैगनेंट हो जाते हो तो आपकी ऊर्जा क्या होने लगती है,
डाउन। इसलिए हम क्या कहते हैं यूट्यूब से नई नई चीजें सीखो, फेसबुक से भी क्या करो नई नई चीजें सीखो। और लास्ट के 12th पॉइंट मैं आपको बता रहा हूँ, ड्रेस वेल, अच्छे तरीके से ड्रेस वेल, ड्रेस वेल। ये मैं आपको एक तरीका बता रहा हूँ, वैसे इस तरीके पे तो मैंने भी ज्यादा काम कभी किया नहीं, या तो लोगों ने मुझे भी कभी कुछ भी पहन के चला चलने दो, ठीक है, क्योंकि मेरे पास ज्यादा समय नहीं है, मैं रिसर्च में ज्यादा रहता हूँ। आपको यहाँ पे ध्यान रखना है कि अगर आपको मॉरल डाउन अगर आपको फील होता है ना, आप एक अच्छा कपड़े पहनकर आईने के सामने खड़े हो जाना, देखना आपको सब कुछ अच्छा लगने लगता होता है। मन बहुत खराब है, सडनली पिताजी ने बहुत अच्छा ड्रेस लाया, आपने उसको पहना और आईने के सामने ऐसे ऐसे किया, अगर अभी रो रहे थे 2 मिनट के, अगर अच्छा लगने लगता है तो नया ड्रेस से कॉन्फिडेंस बूस्ट होता है। अच्छे ड्रेस पहनो तो क्या होता है, खुशी मिलती है। तो कभी ये भी ध्यान रखना है कि ड्रेस वेल करते हुए जितना मॉरल अच्छा तक इंक्रीज होता है। इसलिए जब मीटिंग्स होती है तो मीटिंग में अच्छे ड्रेस पहन के हम लोग टूट जाते हैं। इसका कारण क्या है, वो ड्रेस पहन के वैसे से देखते रहने में तो मॉरल क्या हो जाता है, बढ़ जाता है, तो उसी मॉरल के साथ मीटिंग भी बहुत अच्छा निकल जाता है, ठीक है। और जब नॉर्मल ड्रेस पहन के आप जाते हो तो आपका मॉरल हमेशा डाउन टाइप में आपको फील होता है, ठीक है। बड़े महानगरों में तो ये भी कहा जाता है ऑलवेज वियर आपको आगे का बता रहा हूँ। पहला मॉरल बढ़ाने के लिए क्या करें, अगर पास्ट मिस्टेक को अगर आप याद रखोगे तो क्या होगा, होता है डाउन आपका भी, ठीक है। आप पॉजिटिविटी पॉजिटिव अगर नहीं रहते तो क्या होता है, इसके बाद अगर आप सक्सेसफुल पीपल को देखते हैं तो उनको देख के मॉरल बढ़ता है, कोहली को देख के कई लोगों को मॉरल बढ़ता है, कई लोग कोहली को देख के अचानक बहुत बहुत परेशान है, पर जैसे कोहली खेलने आया मॉरल अचानक पॉजिटिव हो गया, पर चलो कोहली आ गया, ठीक है। अपने स्ट्रेस को मैनेज करने से मॉरल बढ़ेगा, साथ में सोने से भी मॉरल बढ़ता है, ये भी बता दे रहा हूँ, स्केल्स पे काम करने से, कैरियर पे काम करने से, फिटनेस पे काम करने से, नई चीज़ों को सीखने से, रिलेशनशिप दूसरों से ज़्यादा बेहतर बनाने से और ड्रेस वेल से मॉरल क्या होता आपका बढ़ता है। तो ये मैंने आपको ऐसे 12 पॉइंट बताए, इन 12 पॉइंट्स को ध्यान रखिएगा, आप डिप्रेशन में भी थोड़ा यूज कर रहे हैं, ठीक है। इमीडिएट आप ऊपर लिख भी लेना, डिप्रेशन की भी यही पॉइंट्स है, कभी जब डिप्रेस होना तो ये सब काम करने लगे, ठीक है, क्योंकि आपका डिप्रेशन आपका मॉरल डाउन केवल आप ही को सुधारना, कोई नहीं सुधारेगा, मैं आपको बता देता हूँ, ठीक है। अब मैं आपको यहाँ पे आज ग्रुप डिस्कशन के बारे में बताऊंगा, एक छोटा सा ग्रुप डिस्कशन भी आज होना है, तो हेडिंग ऑफ डाल दीजिएगा ग्रुप डिस्कशन सर अपना मोबाइल।